सो गाइस, आज जो बैंक वो निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो बहुत नेगेटिव हुई है आज। बहुत नेगेटिव क्यों हुई है? क्योंकि अगर आज अगर ये निफ्टी जो गैप अप था, अगर उसे सस्टेन कर लेता या 16,500 के ऊपर भी बना रहता, तो एक बार को हम 16,843, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, हम कहीं ना कहीं इसके पास बने रहते। बट अब क्या हुआ है कि हम 16,500 के नीचे क्लोजिंग हो गई है। ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था वो भी टूटा है आज। अब जो ये टूटा है तो अब ये और ज़्यादा टूटेगा। कैसे? यहाँ पे अगर आप RSI देखोगे, ये कुछ ये वाला इधर में है ना, RSI देखो, तो ये RSI क्या दिखला रहा है आपको? ये देखो, RSI ये दिखला रहा है कि यहाँ पे नीचे मार्केट गिर के भी ना रुका नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे RSI आया था, थोड़ा सा स्पेंड किया था टाइम, ऊपर बना रहा था कुछ दिन के लिए, बट ये अगेन आया यहाँ पे बन के देन ऊपर गया। अभी क्या है RSI, अभी एक बार फिर से इसे टच करना पड़ेगा। और अब की बार शायद मेरे को जहाँ तक लगता है निफ्टी फिर से 16,000 या 500 पॉइंट का कट और आ सकता है, बिकॉज ऑफ रशिया और यूक्रेन वाला वॉर भी है। ठीक है, तो यहाँ से वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर ये नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से ये है कि वॉलेटिलिटी बनी रहेगी आपके लिए। ठीक है, आज ये वाली ट्रेंड लाइन देखो, ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है आज। और देखो, एक्सपायरी थी इसलिए आज मार्केट ने आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा और यहीं पे घूमता रहा। ठीक है, मार्केट यहीं पे आपके पास घूमता रहा। तो अब जब यहीं पे घूमता रहेगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को सब मतलब पकड़ के, मतलब एक फेक आउट ब्रेक फेक ब्रेकडाउन देने के मूड में नहीं था। आ रहा था सेलिंग, वहीं पे आया सेलिंग, वहीं पे आया फिर देन सेलिंग। ठीक है, अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही चलेंगे। पहले तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक ये पैटर्न अगर आप देख लोगे, आप ये मतलब जो भी पैटर्न आप बनाना चाहो, ये वाला पैटर्न में बन रहा है कुछ, है कि ये राइजिंग वेज जो भी कहते हैं इसे, मुझे पता नहीं है। तो ये वाला ही पैटर्न बन रहा है। अब ये वाला पैटर्न कहाँ है, ये इसको पूरा करेगा, इसको यहाँ तक पूरा करेगा। 16,000 इस बार जा सकता है निफ्टी। ठीक है, यहाँ से 500 पॉइंट्स का और कट आ सकता है। बाकी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ये मैंने एकदम मतलब एक वो लगाया कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, और एक ये शायद ये छोटा सा गैप है, ये फिल हो सकता है, या ये फिल होने लायक है तो नहीं वैसे, बट ये है कि मार्केट थोड़ा वैसा है तो शायद इसी गैप को लेके थोड़ा सा इसमें रुके। तो ये 16,000 आप इसको लेके रखो। ठीक है, जब भी कोई ऊपर से मतलब एक बाउंस बैक मिले तो 16,800 से ही सेल करना, 16,800 पे ही सेल करने का मौका मिलेगा आपको निफ्टी को। और बाकी मुझे अब लगता नहीं कि अब हम जल्दी से 16,800 पे जाएंगे। बाकी एक रेजिस्टेंस पॉइंट ये रहेगा कुछ दिनों तक। ठीक है, और देखो अभी ये जो है ना, एक ये शार्प फॉल है, ये ऐसे आया मार्केट, ऐसे ऐसे कंटिन्यू होते होते ये गिरा है, इस तरह से गिरा है मार्केट। ठीक है, एकदम से ऊपर से ना बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि वैसे नहीं चला मार्केट कि हाँ एक प्राइस या कंसोलिडेट कुछ ऐसा एक पैटर्न बनाया, वो नहीं, ये डायरेक्ट बियरिशनेस है। ठीक है, तो अब हमारे लिए यही, अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 16,500, 16,600 भी रेजिस्टेंस आप मान सकते हो। ठीक है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है। बस अभी अभी से हटा देते हम 17,200, ये तो बहुत टाइम पहले का था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब नेक्स्ट जो भी होगा अब वो ये ही रहेगा, इसी को हम लेके चलेंगे। अब इसके अलावा हम किसी को लेके जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो मार्केट अब प्रिपेयर कर रहा है 16,184 के लेवल पे आने को। बैंक निफ्टी में देखो, आज सबने एक साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ा है। निफ्टी ने 16,500 का क्लोज नीचे क्लोजिंग दी है, बैंक निफ्टी ने 34,944 के नीचे क्लोजिंग दी है। जो एक साइकोलॉजिकल था 35,000 का, वो भी इसने ब्रेक किया है। ठीक है, बट ये है कि बैंक निफ्टी एक
अपने नेक लाइन के पास है वो है 33,944। अब जो नया ट्रेडर हो ना, 33,949 जो है ना, ये आप इसको एक स्कैल्पिंग के थ्रू भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर जिसको अगर स्कैल्पिंग देखनी हो ना, तो 33,949 पे आके आप देख सकते हो स्कैल्पिंग कैसे होती है, ठीक है। और अभी कोई आउट ऑफ द मनी कॉल मत लेना कि अगर आप सोचो 36,000 की ले ले हम या हम 32,000 की ले ले, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में भी बड़ा टाइम लगेगा और ऊपर मोमेंटम जाने के लिए भी बहुत कंसोलिडेट होगा यहाँ पे मार्केट, लगभग मार्च निकल जाएगा, ठीक है। मार्च में भी वॉलीटिलिटी हाई रहेगी। और देखो कई बार इसने इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, तो इस ट्रेंड लाइन को ज़रा देख के ट्रेड करना तो भी ये। और रेजिस्टेंस अब हमें जो ऊपर की तरफ मिलेगा देखने को, वो रेजिस्टेंस लेवल अब हमारा होगा 35,500 और ये हमारा हो जाएगा सपोर्ट। बट मैं से न्यूट्रल कर रहा हूँ क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, चौथे पे ब्रेकआउट था, ये एक यहाँ पे ब्रेकडाउन था, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा इसको। एंड और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको कि मैं अपना एक कोर्स शुरू कर रहा हूँ 2 डे का, सिर्फ इक्विटी और मतलब एक बेसिक जो है ना स्टॉक मार्केट में, कोई कैंडलस्टिक चार्ट वगैरह नहीं है, एक मतलब एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं एक हैक, स्टॉक मार्केट हैक, मतलब कि हाँ आप यहाँ से ऐसे पैसा कमा सकते हो, वैसे ऐसे पैसा कमा सकते हो, इंट्राडे में स्टॉक कैसे चुने, जो भी है वही मैं आपको एक कोर्स लेके आ रहा हूँ जिसकी फ़ीस रहेगी 2,000 रुपये 2 दिन के लिए, और फीस एडवांस रहेगी। एंड मैं आपको फ़ोन नंबर मैं अपने टेलीग्राम पेज पे दे दूँगा। और बहुत अच्छा कोर्स है, मैंने मतलब लगभग 1 साल की मेहनत है उसमें, मार्केट को ऑब्जर्वेशन वगैरह जो भी है, जिसमें एक एक्सपायरी 0 to 0 भी ट्रेड बताया जाएगा, एवरीथिंग उसमें बताया जाएगा, ऑप्शन बाइंग भी बताई जाएगी कि ऑप्शन बाइंग मार्केट में कैसी की जाती है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का क्या होना चाहिए, कैसे बाय करना चाहिए या नहीं, ये भी है, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट मतलब कल की वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं संडे को अपना एक कोर्स चालू कर दूंगा, उसके लिए जितने भी लोग हो, और उसमें मैं एक बुक भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, एक बहुत अच्छी बुक है जिससे मैंने भी सीखा है ट्रेडिंग करना, आप भी सीखना उससे, तो वो वाली बुक भी एक बुक भी आपकी मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और सीखने को काफ़ी कुछ है उसमें। एंड ये जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग भी उसमें मतलब आपको ऐड करवा दी जाएगी, ब्रेकआउट ट्रेड कैसे और कौन सी मूविंग एवरेज से निकाले जाने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं कल के सेशन के बाद।